Hello everyone, this is Advocate Twinkle Jha. Welcome to our lecture series of the Constitution of India. We have already covered till part 2. Now we are going to cover part 3, which says about fundamental rights. So part 3 is the most important part of the entire Constitution. ठीक है, तो it covers Article 12 to 36 in it. ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल 12 है क्या। अब आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बता रहा है। अब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो हम डेफिनेशन स्टेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल है होता है स्टेट के अगेंस्ट। इसलिए इससे पहले कि हम फंडामेंटल राइट पढ़ें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टेट क्या होता है। सेकेंड, स्टेट के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट क्यों अवेलेबल है, क्योंकि स्टेट जो है अपनी पावर डिराइव करती है पीपल ऑफ इंडिया से, है ना। अब पीपल ऑफ इंडिया उसको पावर देती है, तो उस पर कुछ लिमिटेशन लगाना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये तो मिसयूज़ करने लगेंगे अपने पावर को। तो इसलिए हमने स्टेट के अगेंस्ट लिमिटेशन लगाया है, और इसलिए फंडामेंटल राइट जो है स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, ताकि स्टेट जो है अपनी पावर को आर्बिट्री यूज़ ना करे, मिसयूज़ ना करे अपने पावर को। ठीक है, सो नाउ स्टेट डिस्कस करते हैं, स्टेट है क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोलता क्या है। सो आर्टिकल 12 बता रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो व्हाट आर्टिकल 12 से इट सेज अबाउट, इट डिफाइंस द टर्म स्टेट एज यूज्ड इन डिफरेंट आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि स्टेट को हम एग्जॉस्टिव नहीं बना रहे हैं, कि स्टेट में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ दे रखा है बस यही स्टेट आएगा, इसके अलावा कुछ स्टेट नहीं है, ऐसा नहीं है। हम स्टेट में इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ें, और ऐसा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेलफेयर स्टेट के बारे में बताती है। तो अगर वेलफेयर स्टेट है तो स्टेट कैन नॉट बी रिजिडली कन्फाइंड, रिजिडली एन्यूमरेटेड। ओके, तो अगर, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें न्यू मैकेनिज़्म डिवाइस करना होता है ताकि वो मल्टीपर्पज़ टास्क कर सके स्टेट अपने लिए। इसलिए जो है हम कैबिन और कन्फाइन नहीं कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट को। ठीक है, सो इट इज़ ओपन फॉर द कोर्ट टू इंटरप्रेट द वर्ड अदर अथॉरिटी। तो हम जानते हैं कि अदर अथॉरिटी क्या होता है, वो डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे। सो लेट अस गो with the definition part. तो क्या है, it says that unless the context otherwise required the term state includes, state में क्या क्या include करता है, तो ये है government and parliament of India, executive and legislature। तो ये government और parliament of India state में आती है, उसकी executive part भी और legislature part भी, ये दोनों ही आते हैं। Not only legislature, not only executive, both included in the government and parliament of India. ठीक है, then the second part is government and legislature of each state. ठीक है, तो state के भी सारे executive और legislature इसके अंदर covered होते हैं। Then the third one is local and other authority. Local and other authority जितने भी हैं, जैसे पंचायत हो गई, municipality हो गई, वो भी state के definition के अंदर covered होती है। Then the most important part, that is clause 4. what it says, it says about all local or other authority under the control of the government of India। जो मैंने अभी बताया other authority, इसको हमने legislature ने define नहीं कर रखा है, other authority क्या है इसको open कर रखा है। और जितने भी new कंसेप्ट आते हैं, जितने भी हम कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं, वो सारे इस अदर ऑथोरिटी वर्ड के अंदर ही आता है। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू क्या क्या आते हैं। यूनियन इंक्लूड एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर, स्टेट इंक्लूड स्टेट एग्जीक्यूटिव प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, देन अदर ऑथोरिटी, देन सॉरी लोकल ऑथोरिटी एंड देन अदर ऑथोरिटी। अदर ऑथोरिटी इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, नाउ अब कोर्ट ने टाइम टू टाइम अदर अथॉरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी उसके लिए अपने जुडिशल इंटरप्रिटेशन से 3 टेस्ट लाया, 3 टेस्ट रिगार्डिंग द बॉडी विच विल फॉल अंडर द वर्ड अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12. तो फर्स्ट टेस्ट क्या था? द रूल ऑफ एजिस्डम जनरस. अब ये क्या बोलता था? तो द रूल ऑफ एजिस्डम जनरस दोज अथॉरिटी वुड बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी विच आर ऑफ लाइक नेचर. ठीक है, जो लाइक नेचर के हैं. अब लाइक नेचर किसके? जो आर्टिकल 12 में वर्ड्स दिए गए हैं ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. तो इस ये जो अदर अथॉरिटी का मीनिंग है ये हम कंस्ट्रूट करेंगे कि ये इनके ही लाइक नेचर के वर्ड्स अदर अथॉरिटी में भी आएंगे. तो मतलब कि जितने भी सोवरीन फंक्शन करते हैं, फंडामेंटल फंक्शन जो गवर्नमेंट करती है जिस भी बॉडी के थ्रू, वो एजिस्डम जनरस के रूल के अंदर स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएंगे. जो तो ये बोलता था हमारा रूल ऑफ एजिस्डम जनरस. रूल ऑफ एजिस्डम जनरस को कोर्ट ने अच्छे से डिफाइन किया इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई. इट इज़ अ केस ऑफ 1954. इसमें कोर्ट ने ये बोला कि जो वर्ड अदर अथॉरिटी है वो मस्ट बी कंस्ट्रूड एज एजिस्डम जनरस विथ गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, एंड सो कंस्ट्रूड मीन could only mean authority exercising government function. तो जो भी authority exercise कर रही थी government function में, तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला वो सारी covered होगी under the word other authority. ठीक है. Then this rule is rejected by the Supreme Court. Supreme Court ने ये बोला कि ये जो word है सिर्फ गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं आएंगी एजिस्डम जनरस के रूल के अंदर. हम तो कंसीडर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट फंक्शन जो भी कर रही है अथॉरिटी वो सारे अदर अथॉरिटी के अंदर आ जाएगी और हम उसको कैबिन और कन्फाइन कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं है कि सारी सिर्फ गवर्नमेंट फंक्शन करने वाली ही बॉडीज़ आएंगी अदर अथॉरिटी के अंदर. तो उन्होंने द रूल ऑफ एजिस्डम जनरस को इनकेपेबल बता के रिजेक्ट कर दिया. फिर आया हमारा सेकेंड रूल. इसमें ये डिफ़ाइन किया गया कि अदर अथॉरिटी के अंदर वो सारी बॉडीज़ आएगी जो लेजिस्लेचर क्रिएट करती है. मतलब जिस भी बॉडी को लेजिस्लेचर क्रिएट करती है एक्ट से, बाय एक्ट, लाइक LIC को क्रिएट किया उन्होंने, तो इट विल कवर अंडर अदर अथॉरिटी. सो सेकेंड रूल हमारे यही कह रहा था कि जो भी बॉडी लेजिस्लेचर के थ्रू क्रिएट होगी तो वो अदर अथॉरिटी के अंदर आएगी. इसके सपोर्टिंग एक केस था जो है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल. इट इज़ अ केस ऑफ 1967. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी इज़ वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट ऑन होम पावर आर कन्फर्ड बाय द लॉ. ठीक है. तो जितने भी अथॉरिटी को पावर कन्फर्ड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी अदर स्टैट्यूट के अंदर, जैसे RBI को भी, RBI की एक्ट है उसके थ्रू, तो ये सारे चीज़ ही जो हैं वो अदर अथॉरिटी के अंदर कवर हो जाएगी. और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया रूल ऑफ एजिस्डम जनरस. ओके, नाउ द थर्ड एंड द फाइनल टेस्ट विच इज़ इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी टेस्ट. So it was held by P.N. Bhagwati in R.D. Setti versus International Airport Authority in 1979. ये थर्ड टेस्ट जो है इसी केस में आया था जिसमें उन्होंने एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट के बारे में बताया था कि हम इस टेस्ट के हिसाब से टेस्ट करेंगे कि कौन सी अथॉरिटी जो है द वर्ड अदर अथॉरिटी के अंदर कवर्ड होगी और कौन सी अथॉरिटी नहीं कवर्ड होगी. फिर इसको डिटेल में इन्होंने डिस्कस किया भगवती, जस्टिस भगवती जी ने, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिम में. इसमें इन्होंने टेस्ट दिए, इन्होंने 6 टेस्ट दिया डिसाइड करने के लिए कि विच अथॉरिटी विल कवर्ड अंडर द वर्ड अदर अथॉरिटी और विच विल नॉट कवर्ड अंडर द वर्ड अदर अथॉरिटी. तो 5 टेस्ट क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. अगर किसी कॉरपोरेशन का इंटायर शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है तो देन इट विल कवर्ड अंडर द वर्ड अदर अथॉरिटी. देन द सेकेंड टेस्ट इज वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द टेस्ट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट द इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन. कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट दे रही है उस कॉरपोरेशन को, ये डिपेंड करता है कि वेदर इट इज़ अ स्टेट और इट इज़ नॉट अ स्टेट अंडर द वर्ड अदर अथॉरिटी. देन द थर्ड टेस्ट which is whether the corporation enjoy monopoly status conferred or state protected, which is state protected. तो क्या state जो है government जो है उस corporation के ऊपर monopoly status रख रही है. अगर monopoly status रख रही है तो yes it will covered under the ambit of other authority. Then the fourth test is existence deep or persuasive control. क्या वो deep और persuasive control रख रही है उस authority पे. उसकी administrative control, अगर financial control नहीं है तो क्या administrative control है कि नहीं उस corporation पे state government का. तो then also it will cover under the word other authority. Then the fifth test is the function of the corporation are public importance and closely related to government function. ये जो फंक्शन है वो जो corporation कर रही है ये public importance का है या closely related to government function से है. अगर yes then it will cover under the word state. Then the sixth test will be if the department of the government is transferred to the corporation. क्या अगर कोई भी government जो है उसका department transfer हो गया है उस corporation में, अगर yes then also it will cover under the word other authority under the word state. देन कोर्ट ने ये भी कंटेंट किया कि ये जो टेस्ट दिया है इन्होंने सिक्स टेस्ट ये कंक्लूसिव नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटिव नेचर का है और जब भी इसको यूज़ किया जाएगा विद केयर और कॉशन यूज़ करना है. ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट पे जो आ गए हम आंख बंद करके बोल देंगे कि इट विल कवर्ड अंडर द कम अंडर द एम्बिट ऑफ अदर अथॉरिटी सो इट इज़ अ स्टेट. ऐसा नहीं है, हमें केयर और कॉशन के साथ इसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी है. अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जुडिशरी के पास कि बीसीसीआई जो है हमारी वो स्टेट है या नहीं है. तो हम ये टेस्ट को हमने अप्लाई किया और डिसाइड किया कि ये स्टेट है कि नहीं. तो सबसे पहले हमने किया कि वेदर बीसीसीआई गॉट फाइनेंशियल कंट्रोल सपोर्ट ऑफ स्टेट. तो ये था कि इट वॉज फाउंड दैट बीसीसीआई इज़ नॉट एट ऑल फंडेड बाय स्टेट. तो फिर फाइनेंशियल कंट्रोल तो है नहीं. देन द सेकेंड टेस्ट इज़ वेदर द स्टेट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर बीसीसीआई. तो ये देखा गया कि चेयरमैन जो थे उसके इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय स्टेट. तो स्टेट डू नॉट इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीसीआई एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर. तो फिर ये हेल्ड हो गया कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 12. होप दिस इज़ क्लियर टू यू. मैंने हर चीज़ इसमें डिटेल में कवर की है. हमने आज कवर किया है कि स्टेट क्या होता है, हमें स्टेट को डिफ़ाइन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट के अगेंस्ट ही एप्लीकेबल होती है, स्टेट के ही अगेंस्ट होती है, इसलिए स्टेट का डेफिनेशन ज़रूरी है. देन हमने आर्टिकल 12 देखा कि इसके अंदर क्या क्या कवर होता है. फिर हमने ये देखा कि वर्ड अदर अथॉरिटी जो है वो ओपन है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए और जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 का वो एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, वो इंक्लूसिव नेचर का है. देन हमने देखा 3 टेस्ट द टू डिटरमाइन विच बॉडी विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ द वर्ड अदर अथॉरिटी. 3 टेस्ट आर द रूल ऑफ एजुस्टम जनरस टेस्ट. फिर हमने सेकेंड टेस्ट था कि जो बॉडी लेजिस्लेचर क्रिएट करती है वो कवर होती है अदर अथॉरिटी के अंदर. एंड द थर्ड टेस्ट वॉज द रूल ऑफ एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी, जिसमें हमने 2 मेजर केसेस देखे, अजय हासिया एंड आर.डी. सेट्टी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 12. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेशन. सो दिस इज़ ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू.